स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हो चुकी है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एम्स के डॉक्टरों और आईसीएमआर शोध समूह के दो सदस्यों सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह का कहना है कि देश की घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के सामुदायिक प्रसार यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हो चुकी है। वहीं सरकार बार बार ये कह रही है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण सामुदायिक प्रसार के स्तर पर नहीं पहुंचा है, जबकि सोमवार तक देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,394 पर पहुंच गई और संक्रमण के कुल मामले 1,90,535 हो गए हैं। भारतीय लोक स्वास्थ्य संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्री एक्टिव एंड सोशल मेडिसिन और भारतीय महामारी विद संघ के विशेषज्ञों द्वारा संकलित एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, देश की घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि हो चुकी है और इस स्तर पर कोविड-19 को खत्म करना वास्तविक जान पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन महामारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए प्रभावी योजना बनाने के लिए किया गया था, ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रभावित ना हो। ये संभव हो रहा था, लेकिन नागरिकों को हो रही असुविधा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में चौथे लॉकडाउन में दी गई राहतों के कारण ये प्रसार बढ़ा है। कोविड कार्यबल के 16 सदस्य संयुक्त समूह के विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि महामारी से निपटने के उपायों संबंधी निर्णय लेते समय महामारीविदों से सलाह नहीं ली गई। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत सरकार ने महामारीविदों से परामर्श लिया होता, जिन्हें अन्य की तुलना में इसकी बेहतर समझ होती है, तो शायद बेहतर उपाय किए जाते। विशेषज्ञों ने कहा, ऐसा लगता है कि मौजूदा सार्वजनिक जानकारी के आधार पर सरकार को चिकित्सकों और अकादमी महामारी विज्ञानियों द्वारा सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा, नीति निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से सामान्य प्रशासनिक नौकरशाहों पर भरोसा किया, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में महामारी विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निवारक चिकित्सा और सामाजिक वैज्ञानिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भूमिका काफी सीमित थी। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत इस समय मानवीय संकट और महामारी के रूप में भारी कीमत चुका रहा है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।